यदि परिवार के सभी सदस्य बुजुर्ग हैं तो मिलेगा आयुष्मान कार्ड का लाभ। दोस्तों प्रदेश के 11 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। यूपी में ऐसे 11 लाख परिवार हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने उनका डाटा अब लाभार्थियों की सूची में जोड़ लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इन परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब लाभार्थी परिवार की संख्या बढ़कर 1.8 करोड़ हो गई है। इस योजना के तहत एक पात्र परिवार एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार सरकारी व निजी अस्पताल में करा सकता है। राशन कार्ड से लिया डाटा। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ही बनाए गए पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के डाटा से इन परिवारों का डाटा लिया गया है। अब वह परिवार जिसमें सभी सदस्य बुजुर्ग हैं उन्हें बीमार होने पर भटकना नहीं पड़ेगा, वह आराम से अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे। बुजुर्ग लोगों को इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी। जिलों में शिविर लगाकर ऐसे लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। नई योजना से सभी परिवारों को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा का पूरा लाभ मिल सकेगा। प्रतिदिन औसतन 3 लाख से ज़्यादा बने आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भाव पखवाड़े में 48 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड बनाए गए हैं। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक पखवाड़ा चलाया गया। आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश सबसे आगे रहा। हर दिन देश में बनाए जा रहे कुल कार्ड में से 80% कार्ड यूपी में बनाए गए। 1 अक्टूबर को एक दिन में रिकॉर्ड 5.48 यानी 5.5 लाख के लगभग आयुष्मान कार्ड बनाए गए। यह 5 साल पहले शुरू हुई योजना से लेकर अब तक किसी एक दिन में बनाए गए सर्वाधिक कार्ड हैं। पोर्टल से भी आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। पोर्टल से आसानी से बनाए जा सकते हैं दोस्तों। beneficiary.nha.gov.in पोर्टल के माध्यम से बनवा सकते हैं। प्रदेश में कुल 3,603 सरकारी व निजी अस्पतालों में इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। बीते 5 वर्षों में 3,407 करोड़ रुपए लोगों के मुफ्त उपचार पर खर्च किए जा चुके हैं।